लालची तंदूरी चिकन वाला। एक गांव में हरिया तंदूरी चिकन बनाकर बेचा करता था। हरिया का तंदूरी चिकन पूरे गांव में फेमस हो चुका था, जिस वजह से हरिया काफी अच्छी कमाई करता था। पर हरिया बहुत ज्यादा लालची था, जिस वजह से वो नए नए तरीके आजमाता रहता था, जिससे वो अपनी तंदूरी चिकन को और ज्यादा स्वादिष्ट बना सके, जिससे उसकी दुकान पर काफी सारे ग्राहक आ सके। और एक बार की बात है, हरिया अपनी दुकान पर तंदूरी चिकन बेच रहा था, तभी उसके सामने एक नई दुकान खुलने लगती है। उस दुकान को देखकर हरिया काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे ये क्या, मेरे सामने कोई तंदूरी चिकन की दुकान खोल रहा है, ऐसे कैसे, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। और ये कहकर वो उस इंसान के पास जाता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ठीक सामने तंदूरी चिकन की दुकान है। हाँ मुझे पता है, वैसे भी ये मेरी दुकान है और मैं कुछ भी करूँ, ऐसे कैसे, मैं तुम्हें अपने सामने दुकान नहीं खोलने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और वैसे भी तुम्हें बताया तो ये दुकान मेरी है, तो चाहे मैं अपनी दुकान में कुछ भी बनाकर बेचूं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ भी बनाकर बेचो, पर तुम तंदूरी चिकन नहीं बनाकर बेचोगे। मैं तो तंदूरी चिकन बनाकर ही बेचूंगा, तुम मुझे रोक सको तो रोक कर दिखा देना, वैसे भी इतने बड़े गाँव में तुम्हारी एक ही दुकान है, यदि मैं दुकान खोलूंगा तो इसमें तुम्हारा क्या घाटा है, तुम्हारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आएंगे। नहीं, मेरे ग्राहक तुम्हारे पास भी आएंगे, मुझे पता है नई दुकान देखकर सभी तुम्हारे पास चले जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और बात मुखिया तक पहुंच जाती है। क्या हुआ हरिया, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुखिया जी, आपको तो पता है कि मेरी दुकान काफी पुरानी हो चुकी है, तो ये मेरी दुकान के सामने तंदूरी चिकन की दुकान कैसे खोल सकता है, इससे तो मेरी दुकान पर असर पड़ेगा। अरे हरिया, कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी अकेली ही दुकान है, अगर वो भी दुकान खोल लेगा तो उसकी भी कमाई हो जाएगी, और वो तो सामान के ऊपर होता है कि किसका सामान कितना अच्छा है, अगर तुम्हारा तंदूरी चिकन अच्छा होगा तो तुम अच्छा कमाओगे, और यदि इसका अच्छा होगा तो ये कमाएगा। ये सुनकर हरिया चुप रह जाता है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो आदमी अपनी दुकान खोल लेता है। उस आदमी का नाम सुरेश था। वहीं हरिया काफी ज्यादा परेशान होता है, वो अपनी दुकान पर आकर अपने आप से कहता है, मैं इसकी दुकान किसी भी कीमत पे नहीं चलने दूंगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और वो फैसला करता है कि वो अपनी तंदूरी चिकन के दाम गिरा देगा, चाहे इसके लिए उसे थोड़ा घाटा ही उठाना पड़े। और इसके बाद उसने अपने लालच में तंदूरी चिकन को 50 रुपए में कर दिया, जिससे उसकी दुकान पर बहुत भीड़ हो गई। ये देख हरिया बहुत खुश हुआ। वहीं सुरेश काफी ज्यादा परेशान था कि हरिया ने तो तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया है, अगर ऐसा ही रहा तो उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आएगा। तो उसने भी तंदूरी चिकन का दाम आधा कर दिया, जिससे उसकी दुकान पर सभी जाने लगे। ये देख हरिया काफी गुस्सा हुआ और उसने अपने आप से कहा, मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, मैं अपने सामने किसी को नहीं टिकने दूंगा। और ये कहकर वो तंदूरी चिकन में मिलावट करना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे उसे सस्ते में चिकन मिल रहा था। वहीं सुरेश पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था और अब हरिया ने तंदूरी चिकन 25 रुपए कर दिया, जिसके बाद सभी उसकी दुकान पर जाने लगे। अरे वाह हरिया भाई, तुमने तो 25 रुपए के तंदूरी चिकन देकर हम गरीबों का मान बढ़ा दिया। अरे हाँ हाँ भाई, 25 रुपए क्या, तुम लोगों के लिए मैं 10 रुपए भी कर दूंगा, बस तुम लोग मेरी दुकान पर आओ। अरे क्यों नहीं, हम तो बस तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे, वैसे भी तुम्हारी दुकान के अलावा यहाँ पर और कौन अच्छा तंदूरी चिकन बना लेता है, और तुम वैसे भी बहुत पुराने हो। हाँ पर कुछ लोग हैं जो सामने बराबरी करने आ गए हैं। अरे तुम वहाँ पर ध्यान ही मत दो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अपने लालच के चक्कर में हरिया को नुकसान पर नुकसान हो रहा था और वो सुरेश को नीचा दिखाना चाहता था, जिस वजह से वो हर हथकंडे आजमा रहा था। और एक दिन की बात है, उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं सुरेश की दुकान में आग लगा दूं, जिससे उसकी दुकान जल जाएगी और वो यहाँ से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये कहकर वो अपने काम में लग जाता है। और अगली सुबह ही सुरेश तेज तेज चिल्लाने लगता है, अरे मेरी दुकान में किसी ने आग लगा दी, मेरी पूरी दुकान जल गई, अब मैं क्या करूं? जिससे पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो जाता है।
और सभी लोग सुरेश की जली हुई दुकान को देखने लगते हैं। जरूर ये सब उस हरिया ने किया होगा, मुझे पता है वही मुझसे जलता था। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, मुझे तुझसे क्या जलन थी। हाँ तूने भले ही मेरे सामने दुकान खोली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी दुकान जला दूंगा। हाँ भाई हरिया एकदम ठीक कह रहा है, हरिया ऐसा कभी नहीं कर सकता है। जरूर तुम्हारी दुकान किसी और ने जलाई है, या फिर तुम्हारी दुकान लाइट की शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जल सकती है, पता नहीं। पर मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया, अब मैं क्या करूं। मैंने अपना सारा पैसा जैसे तैसे इस दुकान में लगाया था, अब मैं क्या करूंगा। ये कहकर सुरेश काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय तेजी से गुजर रहा था। हरिया बहुत खुश था क्योंकि सुरेश ने अपनी दुकान बंद कर दी थी और हरिया ने फिर से अपने चिकन के दाम बढ़ा दिए थे। उसने फिर से अपना चिकन 100 रुपए में कर दिया था और लोग मजबूरी में उसकी तंदूरी चिकन खाने के लिए आया करते थे। एक दिन मुखिया तंदूरी चिकन खाने आया और उसने हरिया से कहा, अरे हरिया ये क्या बात है, जैसे ही सुरेश ने अपनी दुकान बंद की तुमने तो अपने चिकन के दाम ही बढ़ा दिए। अरे मुखिया जी आपको तो पता ही है चिकन कितना महंगा है, और फिर उसे तंदूरी चिकन बनाने में समय लग जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें मिलावटी खिलाऊं, इसलिए थोड़े दाम बढ़ा दिए। ठीक है भले ही दाम बढ़ा देना, मगर मिलावटी चीजें मत देना। अरे चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप हमारे पुराने ग्राहक हैं। इसके बाद हरिया आराम से अपनी तंदूरी चिकन बनाने में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक दिन की बात है मुखिया ने हरिया को बुलाया। हरिया जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सुरेश वहाँ पहले से ही मौजूद था। मुखिया काफी गुस्से में लग रहा था और उसने हरिया से कहा, क्यों हरिया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम मिलावटी तंदूरी चिकन बेच रहे हो और तुमने ही सुरेश की दुकान जलाई थी। नहीं नहीं मुखिया जी ये सुरेश झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूंगा। अच्छा मुखिया जी तो इससे ये पूछिए कि इसे ये बात कैसे पता कि मैंने आपको ये बात बताई। ये सुनकर मुखिया भी हैरान हुआ और उसने हरिया से कहा, हाँ हाँ हरिया मैंने तो तुम्हें ये बात बताई नहीं कि तुम पर सुरेश ने आरोप लगाया है, तुमने अपने आप उसका नाम क्यों लिया। ये सुनकर हरिया घबरा जाता है क्योंकि मुखिया की बात एकदम सही थी। वो घबराहट में ये चीज भूल गया और उसने कहा, जब ये यहाँ खड़ा है तो इसी ने आपसे कहा होगा, और कौन कहेगा। नहीं मुझसे ये बात सुरेश ने नहीं बल्कि किशोर ने करी थी, क्योंकि उसका कहना है कि तुमने सुरेश की दुकान उसके जरिए जलवाई थी और इसके लिए तुमने उसे रुपये भी दिए थे। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा घबरा जाता है, उसे नहीं पता था कि उसकी सच्चाई इस तरह से सामने आएगी और किशोर सबके सामने आता है और वो कबूलता है कि ऐसा करने के लिए हरिया ने ही कहा था। वो ऊपर से ही अच्छा है पर अंदर से बहुत ही लालची है। ये सुनकर सुरेश ने मुखिया जी से कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी दुकान जलाने में हरिया का हाथ है, पर आपने माना ही नहीं। तुमने इसकी दुकान क्यों जलाई और तुम मिलावटी तंदूरी चिकन खिला रहे थे, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था पर तुमने उस दिन मुझे मीठी मीठी बातें बोलकर फंसा लिया था। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मैं लालच में आ गया था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे सामने कोई भी मेरी ग्राहक की खराब करे, इसी वजह से मैंने ऐसा कुछ किया। मैंने जैसे तैसे तो अपनी दुकान को यहाँ तक पहुँचाया था और कोई मेरे सामने आकर उसे कैसे खराब कर जाए। अच्छा तो इसके लिए तुम ये सब करोगे, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तुमने हमारी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया और सुरेश की दुकान भी जला दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सुरेश के नुकसान की सारी भरपाई कर दूंगा। वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और इसी के साथ तुम्हें 1 महीने तक अपनी दुकान भी बंद रखनी पड़ेगी, और इसके बाद अगर तुमने कभी भी मिलावट की तो तुम्हारी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये सुनकर हरिया काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे मुखिया की बात माननी पड़ती है। इसके बाद सुरेश उसके पास आता है और उससे कहता है, देखा ना तुमने अपने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया, ना ही तुम ऐसा कुछ करते ना ही तुम्हारा इतना नुकसान होता। ये सुनकर हरिया को महसूस होता है कि हाँ सुरेश ठीक कह रहा है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सुरेश वैसा ही करता है जैसा मुखिया ने कहा था। एक गांव में लाली नाम की मछली वाली रहती थी। वो बहुत ही गरीब और आलसी थी और मछली पकड़कर अपना गुजारा करती थी। वो अपना परिवार चलाने के लिए रोजाना समुद्र पर जाती और मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच देती थी।
जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते थे, पर उसका गुजारा उन पैसों में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पास और पैसे आए। और एक दिन की बात है, लाली मछली पकड़ने जा रही होती है, तभी उसके पास गौरी नाम की मछुआरन आती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ लाली, आज मछली पकड़ने नहीं जा रही हो क्या? हाँ हाँ, वैसे भी तुम लोग तो बहुत महंगी मछली देते हो, तो खुद ही पकड़कर बाजार में बेच देती हूँ। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मछलियों को पकड़कर उनका मीट बनाकर बेचने लगो, इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी, वैसे भी तुम हमारी तरह काम कहाँ कर पाओगी। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मुझे काफी अजीब लगता है मछलियों को मारने में, मुझसे ये सब नहीं होता, और वैसे भी ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर तुम कोई दूसरा काम देख लो, वैसे भी समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के अलावा दूसरा क्या काम है। हाँ तुमने ठीक कहा, और हम कर भी क्या सकते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, शायद कुछ मिल ही जाए। इसके बाद वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। गौरी तो जल्दी जल्दी जाल बिछा कर मछलियों को पकड़ लेती है, वहीं लाली ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो उसके पास थोड़ी ही मछली आती है और वो उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। उसके पास मछली लेने के लिए एक आदमी आता है और वो लाली से कहता है, अरे तुम्हारी मछलियाँ ताजी तो है ना? हाँ हाँ, मेरी मछलियाँ ताजी हैं, अभी ही पकड़ कर लाई हूँ। ठीक है फिर दे दो, वैसे भी तुम्हारे पास थोड़ी ही है, सभी कर दो मुझे। ये सुनकर लाली सारी मछलियाँ उस आदमी को दे देती है। आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पैसों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और घर का सामान लेकर घर आ जाती है। रात में जब वो सोने जाती है तो अपने आप से कहती है, इस तरह कब तक मछलियाँ पकड़ती रहूंगी, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, अगर ऐसे ही रहा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगी। और ये सोच कर वो सो जाती है। अगले दिन रोज की तरह लाली मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाती है, तभी उसे एक पतीला मिलता है। पतीले को देखकर वो अपने आप से कहती है, अरे ये पतीला यहाँ कहाँ से आया, लगता है पानी में बहता हुआ इधर आ गया, चलो मैं इसे घर ले जाती हूँ, मछलियाँ रखने में काम आएगा। और ये कहकर वो उस पतीले को घर पर ले आती है और उसमें मछलियों को रख देती है। पर जैसे ही वो मछलियाँ रखती है, पतीला पूरा मछलियों से भर जाता है। ये देखकर लाली काफी हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे ये कैसे हो गया, लगता है ये जादुई पतीला है, इस वजह से अब तो मेरी किस्मत खुल जाएगी, मैं तो माला माल हो जाऊंगी। और ये सोच कर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो सारी मछलियाँ बाजार में बेच आती है। धीरे धीरे इसी तरह लाली काम करने लगी और अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधर चुकी थी, वहीं उसके अंदर का आलस और घमंड बढ़ता जा रहा था और अब उसने समुद्र के किनारे जाना ही बंद कर दिया। और एक दिन की बात है कि लाली बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए जाती है, तभी उसे चंदन नाम का आदमी मिलता है और वो लाली से कहता है, अरे लाली मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ के ले आती हो, आखिर राज क्या है इसका? अरे कुछ भी नहीं, बस मैं जाल लगाकर मछलियाँ पकड़ने लगी हूँ। पर तुम तो समुद्र पर आती ही नहीं हो, फिर कहाँ से ये मछलियाँ पकड़ के ले आती हो? अरे मैं रात में ही मछलियाँ पकड़ कर रख लेती हूँ। अच्छा तो अब मुझे मछलियाँ बेचने जाने दो। और ये कहकर वो मछली बेचने चली जाती है और एक मछली लाकर पतीले में डाल देती है, जिससे पूरा पतीला मछलियों से भर जाता है, जिसे देखकर लाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो चाह रही थी वो उसे मिल गया था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं कुछ दिन मछलियां बेचने नहीं जाऊंगी, और वैसे भी इस पतीले में कौन सी मछलियां खराब होने वाली है, वैसे भी ये जादुई पतीला है, मैं इसे एक जगह छुपा कर रख देती हूँ जिससे किसी की नजर ना पड़े। और ये कहकर वो पतीले को छुपा कर रख देती है और आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और वो काफी ज्यादा अमीर भी हो गई थी, उसने अपना घर भी अच्छा बनवा लिया था और खूब नौकर चाकर रख लिए थे। इसी के साथ अब वो जब भी बाजार जाया करती थी तो खूब गहने पहनकर निकला करती थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। अब लाली अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझ रही थी,
वहीं काफी दिन हो जाने पर गौरी उसके घर पर आती है और लाली से कहती है, अरे लाली, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम मछली पकड़ने नहीं जाती हो। क्या तुमने कोई दूसरा काम देख लिया? और अब तो तुम बहुत अमीर भी हो गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो रोजाना मछलियाँ बेचने जाती थी, बस आज ही नहीं गई। अच्छा, पर तुम्हारी पहले से आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई है। पहले तुम्हारा घर कितना टूटा फूटा था, पर अब तो तुमने अपना घर भी नया करवा लिया है। आखिर कैसे? अरे कुछ नहीं, बस मैं मछलियाँ जाल से पकड़ने लगी हूँ। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अगर कुछ बनना है तो कुछ हटकर करना पड़ेगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैं बस यही देखने आई थी कि काफी दिनों से तुम समुद्र पर नहीं गई। क्या तुम कल समुद्र पर चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाने वाली, अभी मेरा मन नहीं है। कुछ दिन आराम करूंगी, वैसे भी बहुत मछलियाँ पकड़ ली है। पर अगर तुम आराम करोगी तो तुम्हारे पैसे फिर से खत्म हो जाएंगे। तुम्हें काम करना चाहिए। मुझे पता है, पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी मुझ पर लक्ष्मी जी की कृपा है, तो मेरे पास पैसा कभी खत्म नहीं होगा। बस तुम अपनी चिंता करो। ये सुनकर गौरी को काफी हैरानी होती है और वो वहां से चली जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो लाली के अंदर इतना ज्यादा आलस आ गया। उसे ये तो पता था कि लाली आलसी है, पर ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा आलस करेगी कि मछलियां पकड़ना भी बंद कर देगी। वहीं धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन जब लाली बैठी हुई थी तो उसे बदबू आने लगी और उसने अपने आप से कहा, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत बुरी बदबू है, ऐसा लग रहा है जैसे मछलियां सड़ गई हों। ये कहते हुए उसे याद आया कि उसने पतीले में मछलियां रखी थी और उसने जाकर पतीले को देखा तो उसमें सारी मछलियां सड़ गई थी। अरे रे रे रे, ये तो सारी मछलियां सड़ गई, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसा करती हूँ, इसे समुद्र में ले जाकर फेंक देती हूँ और पतीले को धोकर वापस ले आऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मछलियों को फेंका तो पूरे घर में बदबू हो जाएगी। और ये सोचकर लाली पतीले को समुद्र की तरफ ले जाती है और उसने पतीले में रखी मछलियां समुद्र में फेंक दी। इसके बाद वो पतीले को अच्छी तरह से धोकर वहीं बैठ जाती है। अच्छा, कुछ देर आराम कर लेती हूँ तब घर जाऊंगी। क्यों ना मैं इसमें मछलियां पकड़ लूं, क्योंकि अगर एक मछली आ गई तो पतीला तो अपने आप भर जाएगा। और ये सोचकर वो उस पतीले को वहां पर रख देती है और मछली आने का इंतजार करने लगती है। पर पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि वहां पतीला कहीं नहीं था। ये देखकर लाली घबरा जाती है और इधर उधर पतीले को ढूंढने लगती है। लाली को परेशान देखकर गौरी ने उससे कहा, क्या हुआ लाली, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे गौरी, तुम यहाँ, तुम कब आ गई? अरे जब तुम सो रही थी तभी मैं आ गई, और तुम्हारा बर्तन तो पानी में बह गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो तो काफी तेजी से बहता हुआ चला गया। क्या, वो पतीला पानी में बह गया? हाँ, और अब तो वो समुद्र के अंदर चला गया होगा। वैसे तेरे पास वो पतीला आया कहाँ से? मैंने तो कभी उस पतीले को नहीं देखा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसे सो गई? मेरे अंदर इतना आलस कैसे आ गया? मैं उस पतीले का ध्यान कैसे नहीं रख पाई? अरे लाली, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या था उस पतीले में? और रही तेरे आलस की बात, तो मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू बहुत आलस कर रही है। वैसे तू इतनी आलसी नहीं थी, क्या हो गया तुझे? अरे क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आई हुई लक्ष्मी को मैंने अपने आलस की वजह से जाने दिया। वो कोई आम पतीला नहीं था, बल्कि जादुई पतीला था। पर आज मेरे आलस की वजह से वो पतीला मेरे हाथ से चला गया। क्या, वो जादुई पतीला था? सही कहते हैं, जब इंसान ज्यादा आलस करता है तो उसका यही हाल होता है जो आज तेरा हुआ है। अगर तूने आलस ना किया होता तो आज वो जादुई पतीला तेरे हाथ में होता। और ये कहकर गौरी वहां से चली जाती है और लाली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रहती है, क्योंकि जैसे तैसे तो उसकी किस्मत सही हो पाई थी, पर उसके आलस की वजह से उसने उसे फिर से खराब कर लिया। इसके बाद वो घर पर आ जाती है और अपने आप से कहती है, किसी ने सही ही कहा है,
जो लोग आलस करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि आलस इंसान को कमजोर कर देता है। अगर आज मैंने आलस न किया होता तो वो जादुई पतीला मेरे हाथ में होता। और फिर उसने निश्चित किया कि अब वो कभी भी आलस नहीं करेगी, क्योंकि एक बार तो उसने आलस की वजह से अपना नुकसान कर लिया, पर अब भविष्य में कभी भी आलस की वजह से अपना नुकसान नहीं करेगी।